वेलकम बैक स्टूडेंट। तो आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो हम करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। इससे पहले वाले लेक्चर में स्टूडेंट हमने किया था मोशन इन द प्लेन स्टार्ट और उसमें वेलोसिटी एक्सेलरेशन टू डायमेंशन में हमने डिस्कस की थी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, वो सब टू डायमेंशन में देखी थी। आज हमारा काम क्या होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट करते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके ऊपर कंपिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं। यहाँ से कंपिटिटिव एग्जाम IIT JEE नीट में क्वेश्चन आते हैं और बोर्ड में, स्टेट बोर्ड के लिए भी या कि CBSE बोर्ड या ICSE बोर्ड, सब बोर्ड्स के लिए भी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। इसमें अलग अलग वेरिएशन आपको मिलेंगे, प्रोजेक्टाइल अलग अलग टाइप के मिलेंगे और इसको हम जनरल लाइफ में भी मॉडिफाई करके हर तरह का न्यूमेरिकल बना सकते हैं यहाँ पे। इसलिए आपको, अगर आप इसकी थ्योरेटिकल पार्ट की बात करते हो, डेरिवेशन की बात करते हो, तो वो ज़्यादा कोई मुश्किल और हार्ड एंड फास्ट नहीं होते हैं। जब आप इसके न्यूमेरिकल्स में आते हैं तो आपको थोड़ा वेरिएशंस मिलता है, वहाँ पे आपको थोड़ा अपना कॉमन सेंस लगाना पड़ता है। वो जो होगा मैं आपको सिखाता चलूँगा, कंप्लीट वीडियो के साथ बने रहिए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। होता क्या है कि सपोज कीजिए आप किसी भी बॉडी को स्पेस में थ्रो कर रहे हैं, जैसे ये पेन है, मैं इसको स्पेस में ऊपर की तरफ थ्रो करूं तो ये वापस अर्थ के ऊपर आता है। कैसे आता है, मान लिया जाए ये बॉल है, इस बॉल को स्पेस में थ्रो किया तो ये इस प्रकार वापस अर्थ के ऊपर वापस आ जाती है। ठीक है, यहां से मैंने इसको थ्रो किया था यू वेलोसिटी, ये वापस भी किस वेलोसिटी के साथ नीचे आ गई, यू वेलोसिटी के साथ। ठीक है, अब जिस वेलोसिटी के साथ मैंने इसको ऊपर की तरफ फेंका उसी वेलोसिटी के साथ नीचे आता और अंडर द ग्रेविटी आता है। अब जैसे कि आपने पढ़ा था कि न्यूटन ने 1665 ईस्वी में ये पता किया था कि जो एप्पल्स था वो नीचे ही क्यों गिरा, क्यों, क्योंकि वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, उस ग्रेविटेशनल पुल ने उसको नीचे की तरफ खींचा। यही होता है जब आप कोई भी फोर्स या किसी वेलोसिटी को, अपने फोर्स, कोई भी बॉडी को फोर्स या वेलोसिटी लगा के स्पेस में थ्रो करते हो। आपने यहां से वेलोसिटी दी, मतलब यहां पे कोई एक्सेलरेशन होगा, मतलब कोई फोर्स होगा। इस फोर्स से आपने ऊपर की तरफ किसी चीज को फेंका, जैसे इसको मैं ऊपर की तरफ फेंकू तो ये पाथ फॉलो करती है और ये वापिस अर्थ के ऊपर आई। क्यों आई, क्योंकि यहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी काम कर रहा है, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, जी से डिनोट करते हैं। अगर यहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी न होता तो ये ऊपर की तरफ ही चलता जाता, कभी वापिस नहीं आता। तो इसको हम क्या कहते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन कहता है कि जब किसी भी बॉडी को स्पेस में थ्रो किया जाता है तो वो वापस अर्थ के ऊपर आता है अंडर द ग्रेविटी, ग्रेविटी के कारण, उसको हम क्या कहते हैं, प्रोजेक्टाइल। व्हेनेवर ए बॉडी इज थ्रोन इन द स्पेस देन इट कम्स टू अर्थ अंडर द ग्रेविटी और देन इट कम्स टू अर्थ ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल एंड इट इज कॉल्ड ए प्रोजेक्टाइल मोशन। अब प्रोजेक्टाइल भी अलग अलग टाइप के होते हैं, उसके लिए हम चलते हैं। तो सबसे पहला स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्टाइल की डेफिनेशन। तो हम लिखेंगे व्हेन a body is thrown in space then it comes to earth under gravity किसके अंडर आती है, अंडर ग्रेविटी, इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल। उसको हम सिंपल वर्ड में क्या कहते हैं, प्रोजेक्टाइल कहते हैं। ठीक है, अब प्रोजेक्टाइल होता है दो टाइप का, एक तो होता है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। ठीक है स्टूडेंट, सेकंड होता है ओब्लिक प्रोजेक्टाइल। इसके बाद का जो प्रोजेक्टाइल हमने लिया वो ओब्लिक प्रोजेक्टाइल ले लिया। अब इसके अलग अलग टाइप के साथ साथ इसकी हर वेरिएशन और कैसे हम इसके न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं वो प्रत्येक वीडियो में देखते रहेंगे। तो कंप्लीट इस वीडियो के साथ आपको बने रहना है और इसके साथ आपको समझते रहना है। अब सबसे पहले मैं बात करता हूं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। सपोज कीजिए, ये आप सपोज कर लीजिए कि ये बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के ऊपर आप खड़े हुए हो, ये बिल्डिंग है कोई भी, जिसके आप कोई भी हाइट मान सकते हो, एच मान सकते हो, वाई मान सकते हो। सपोज करो ये वाई, क्योंकि ये एक्स एक्सिस होता है इस तरफ, ये वाई एक्सिस, तो मैं इसको एक्स और इसको वाई मान लेता हूं। आप यहां पर खड़े होकर एक बॉडी को थ्रो करते हो यू वेलोसिटी के साथ और ये बॉडी कैसा पाथ है, ऐसे आएगी नीचे की तरफ। आप देख सकते हो आज आप अपने घर की छत के ऊपर खड़े होके और आप ऐसे कोई भी स्टोन, कोई भी पत्थर ऊपर से फेंकोगे तो वो ये पाथ फॉलो करता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। नाम क्यों हुआ, वो नाम इसलिए हुआ क्योंकि इसने एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है, ये रही। आपके पास दो वेलोसिटी हो सकती है, ये इस प्रकार, इसको कहते हैं यू एक्स हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, इसको कहते हैं यू वाई जिसको कहते हैं वर्टिकल वेलोसिटी। ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन होती है, वर्टिकल डायरेक्शन, हमेशा याद रखो बच्चे, ये हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकल डायरेक्शन। इसके बाद जब आपने कहा कि सर आपने बताया कि किसी बॉडी को स्पेस में थ्रो कर दिया वापिस वो आते हैं अंडर द ग्रेविटी आती है, तो आप ये भी सोच सकते हो कि एयर रेजिस्टेंस नहीं है यहाँ पे। आप ये भी सोचते हो कि जब बॉडी को थ्रो किया जाता तो एक एयर रेजिस्टेंस होता है।
अब एयर रेजिस्टेंस को आपने कभी महसूस नहीं किया होगा, क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी, जब आप चलते हो, जैसे मैं चल रहा हूं तो मुझे भी एयर रेजिस्टेंस लग रहा है, पर जो एयर रेजिस्टेंस लग रहा है वो बहुत ही स्मॉल अमाउंट में लग रहा है, उसके अमाउंट बहुत कम है, इसलिए मुझे फील नहीं हो रहा। अब आपको फील करना है तो वो भी मैं फील करवा देता हूं। सपोज कीजिए मैं कहता हूं कि आप 100 मीटर एयर में दौड़िए, आप इजिली दौड़ के चले जाओगे। फिर मैं कहता हूं कि एक पोंड है, एक तालाब है जो वाटर से भरा हुआ, आप उसमें आप 100 मीटर दौड़िए। जब आप तालाब में 100 मीटर दौड़ोगे तो आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा एज कम्पेयर टू जब आप हवा में एयर में दौड़ रहे हो। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब आप वाटर में दौड़ रहे हो तो वाटर आपके अगेंस्ट में एक ड्रैग लगाता है, एक फ्रिक्शन लगाता है, जिसको कहते हैं वाटर फ्रिक्शन। सिमिलरली एयर भी एक फ्रिक्शन लगाती है, बट वो स्मॉल अमाउंट में होता है। बट जब कोई बॉडी स्पेस में जाती है तो फ्रिक्शन, एयर फ्रिक्शन थोड़ा बढ़ता जाता है, वहां पे फील होता है। बट पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन के ड्यूरेशन में हम उस एयर फ्रिक्शन को नेगलेक्ट करेंगे, उस एयर फ्रिक्शन को यहाँ पे लेते नहीं है। एयर फ्रिक्शन को नेगलेक्ट करने के साथ में ये प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ रहा हूं, एयर फ्रिक्शन को नेगलेक्ट करता हूं तो ये बॉडी इक्वल वेलोसिटी, इक्वल इंटरवल में ट्रेवल करेगी, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, एवरेज, इसको कहेंगे हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्यों? क्योंकि इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। सपोज कीजिए यहां से यहां तक की डिस्प्लेसमेंट इसने 2 सेकंड में की, तो इतनी ही डिस्प्लेसमेंट ये अगली 2 सेकंड में, इतनी ही डिस्प्लेसमेंट ये अगली 2 सेकंड में। तो जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है वो मोशन की 2 खास बातें होती हैं। सबसे पहले तो वहां पे एयर रेजिस्टेंस को हम नेगलेक्ट कर देते हैं, और दूसरी बात हम वहां पे जो वेलोसिटी होती है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है, क्योंकि वो इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्प्लेसमेंट को ट्रेवल करती है। ये डेफिनेशन थी, पहले वीडियो मैंने बनाई हुई है, वहां पे आप देख सकते हो जाके, अगर किसी को डेफिनेशन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में ना पता। दूसरी बात यहां पे, एक पहली बात इसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी, इसकी खास बात, पहली बात यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी, सेकेंड बात यहां पर एयर फ्रिक्शन जीरो होगा, एयर फ्रिक्शन जीरो सेकेंड। थर्ड बात क्या होगी, वाई एक्सिस की तरफ, वाई एक्सिस की तरफ वेलोसिटी कितनी होगी, जीरो। आप देख सकते हो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में क्या, और एक्स एक्सिस की तरफ वेलोसिटी है बच्चे, वाई एक्सिस की तरफ कोई वेलोसिटी नहीं है इसके पास, इनिशियल, इनिशियल की बात कर रहा हूं, क्योंकि ये है वाई एक्सिस, यहां पे कोई वेलोसिटी नहीं, हमने एक्स एक्सिस की तरफ थ्रो किया है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि एक्स एक्सिस की तरफ केवल वेलोसिटी है, वाई एक्सिस की तरफ कोई वेलोसिटी नहीं होती है। तीसरी बात इसके अंदर, चौथी बात क्या, ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको ये सब बातें पता है तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो, आप इजीली क्वेश्चंस को बना पाओगे, क्योंकि यही सब चीजें होती हैं जो क्वेश्चन में होती है, आपको नोटिस करनी होती है, आप नोटिस नहीं करते, इसलिए साथ साथ में वो टेक्निक भी बता रहा हूं आपको कैसे सॉल्व करना। जब आप इससे नेक्स्ट में जाते हो तो क्योंकि आपको पता हो गया, अब जो एक्सेलरेशन होती है बॉडी की वो केवल वाई एक्सिस की तरफ होती है, यहां पर इसमें एक्स एक्सिस की तरफ एक्सेलरेशन बॉडी की जीरो होती है, कोई एक्सेलरेशन नहीं होती, और जो वाई एक्सिस की तरफ एक्सेलरेशन होती है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण होती है। इसलिए तो मैंने कहा था कि जब किसी बॉडी को थ्रो किया जाता है, जैसे मैंने इस बॉडी को यहां से थ्रो किया, तो ये अंडर द ग्रेविटी आएगी नीचे, आपके हाथ में नहीं, आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। आप कब कर सकते हो, आप किसी स्टोन को किसी रोप से टाइट कीजिए, उसे रोप से बांधिए और फिर उसको धीरे धीरे नीचे लेके आइए, तो वो आपके अंडर में आ रहा है, आपने उसको कंट्रोल किया, आपने उसको एक्सेलरेशन दिया। अगर आपने ऊपर से उसको ड्रॉप कर दिया, आपने उसको ऊपर से छोड़ दिया, आपने उसको फेंक दिया, तो फिर वो किसके अंडर में आता, ग्रेविटी, और वो वाई एक्सिस की तरफ होता है केवल, ए वाई एक्सेलरेशन एक्सिस की तरफ होती है, वो किसके बराबर होती है, जीरो के बराबर होती है। ये सब बातें आपको मालूम होनी चाहिए हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के बारे में। इस हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम लेके आएंगे कौन सा, ओब्लिक प्रोजेक्टाइल। तो ओब्लिक प्रोजेक्टाइल वो होता है, अगर मैं यहां से कोई वेलोसिटी से यू से फेंकता हूं, ये हो गया, इसको कहते हैं हम ओब्लिक प्रोजेक्टाइल। इसके बारे में, इसकी करेक्टरिस्टिक, ये सब बातें जब इसको स्टडी करेंगे, जब पढ़ेंगे। जैसे कि सचिन सिक्स मारता है तो वो ऐसे ही मारता है, धोनी सिक्स मारता है, हेलीकॉप्टर शॉट मारता है तो वो ऐसे ही मारता है, वो प्रोजेक्टाइल ओब्लिक होता है। रोनाल्डो किक करता है फुटबॉल को, वो कौन सा होता है, वो प्रोजेक्टाइल ओब्लिक होता है। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल कौन सा, आप किसी टॉप बिल्डिंग के ऊपर खड़े हुए और वहां से किसी चीज को क्या कर दीजिए, नीचे ड्रॉप कीजिए, नीचे फेंक दीजिए किसी वेलोसिटी के साथ, तो वो प्रोजेक्टाइल हॉरिजॉन्टल होता है। आप इसको जनरल लाइफ में देखते हो, इसको भी जनरल लाइफ में देखते हो, दोनों चीजों को आप जनरल लाइफ में देखते हो। इसके बाद हम चलते हैं, इसको एक्सप्लेन करेंगे अब हम, जो हमारा टॉपिक है सबसे पहला वाला। तो इसके अंदर हमें क्या देखना होगा, सबसे पहले ट्रेजेक्ट्री के बारे में पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल की, कि भाई ट्रेजेक्ट्री क्या होती है, प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्ट्री। तो ट्रेजेक्ट्री, ठीक है, यह भी इंपॉर्टेंट है, ट्रेजेक्ट्री, ट्रेजेक्ट्री, ट्रेजेक्ट्री इज पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल, पाथ फॉलोड बाय प्रोजेक्टाइल।
प्रोजेक्टाइल। मान लिया जाए मैं इस टॉप बिल्डिंग के ऊपर खड़े होकर मैंने ये बॉडी यू वेलोसिटी के साथ फेंकी, जब यू वेलोसिटी के साथ इसको फेंकते तो कौन सा पाथ फॉलो किया, ये वाला पाथ फॉलो किया। तो जो पाथ फॉलो करता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रोजेक्टाइल कहते हैं, ट्रेजेक्टरी कहते हैं। अगर ये ओब्लिक होता तो ये पाथ फॉलो करता, तो ये इसकी ट्रेजेक्टरी, ऐसा है तो ऐसा इसकी ट्रेजेक्टरी। अब हम ये पता करेंगे कि उसकी ट्रेजेक्टरी है कैसी। ये ट्रेजेक्टरी आपने दिखाई दे गई, अब इसका नाम भी तो कोई होगा ना ट्रेजेक्टरी का, हाइपरबोलिक है, पैराबोलिक है, स्ट्रेट लाइन है, या कैसे टाइप की ट्रेजेक्टरी, वो हमें फाइंड आउट करनी है। उस ट्रेजेक्टरी को फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे एक डेरिवेशन करते हैं, मैथमेटिकली उसको फाइंड आउट करेंगे कि किस टाइप की ट्रेजेक्टरी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए ट्रेजेक्टरी को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रोजेक्टाइल ले लेते हैं। ये प्रोजेक्टाइल ले लिया और ये बिल्डिंग है, टॉप ऑफ बिल्डिंग ये वाई है, यहाँ से यहाँ तक की हाइट, इस तरफ क्या हो जाएगी, एक्स हाइट हो जाएगी। यहाँ से मैंने यू वेलोसिटी के साथ एक बॉडी को फेंका, वो ये पाथ फॉलो करते हुए यहाँ पे पहुँच गए, ठीक है। ये है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, यहाँ से लेके यहाँ तक इज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, यहाँ से लेके यहाँ के वर्टिकल डिस्टेंस कहते हैं, दिस इज द वर्टिकल, दिस इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ठीक है। अब क्या होता है कि अगर मैं बॉडी की यहाँ पे बात करता हूँ, जब मैंने स्टार्टिंग में बताया था तो केवल एक्स एक्सिस की तरफ वेलोसिटी थी और वाई एक्सिस की तरफ क्या है, वेलोसिटी जीरो के बराबर, क्योंकि इस एक्सिस में कोई वेलोसिटी है ही नहीं। बट जब प्रोजेक्टाइल यहां पे आता है तो इसके पास दोनों पास वेलोसिटी आ जाती है, यू एक्स तो यू ही रहेगी और एक इस तरफ हो जाएगी यू वाई वेलोसिटी, ये रही यू वाई, ये आएगी रास्ते में, जैसे ये आखिरी में पहुंचेगा तब इसके पास क्या रहेगी, एक ही डायरेक्शन में। इनिशियल और फाइनल पॉइंट के पास जाने के बाद, जब आप इनिशियल पॉइंट की बात करते हो जहां से प्रोजेक्टाइल स्टार्ट होता है, केवल वहां पे इसके पास एक ही वेलोसिटी होती है और वो होती है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। वर्टिकल वेलोसिटी और वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी जीरो के बराबर होती है। रास्ते में आएगा और लास्ट में आएगा तो इसके पास दोनों टाइप के डो मोशन आ जाती है। जब यहां पे होगा तो इसके पास एक इस तरफ होगी, ये होगी यू एक्स, ये होगी यू वाई के बराबर। बट इनिशियली यहां पे इसके पास एक ही डायरेक्शन में क्या होती है, वेलोसिटी होती है। तो हम क्या करते हैं, हमें इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करना, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन एस इज इक्वल टू में यूटी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, अलोंग एक्स एक्सिस अप्लाई करते हैं, अलोंग एक्स एक्सिस एक्स एक्सिस की तरफ अप्लाई करेंगे। एक्स एक्सिस की तरफ एस की वैल्यू कितनी बचे, एक्स है, देखिए रही एक्स लिख रखी एक्स एक्सिस की तरफ, तो ये लिख दिया इज इक्वल टू मैं एक्स एक्सिस की तरफ वेलोसिटी कितनी है, यू के बराबर है, ये लिख दी। टाइम कितना है, टी के बराबर है। अब एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस, एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस, अभी अभी इसकी खास बातें बताई थी, क्योंकि इनिशियली हमने इस तरफ हमने इसको किया तो एक्स एक्सिस की तरफ कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होती, केवल वाई एक्सिस की तरफ होती है, वो होती है जी के बराबर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी के बराबर। एक्स एक्सिस की तरफ जीरो एक्सेलरेशन होती है प्रोजेक्टाइल में, तो क्या हो जाएगा, प्लस में हाफ जीरो इंटू टी स्क्वायर, तो एक्स इज इक्वल टू में यू इंटू टी, और जब हम टाइम निकालेंगे तो एक्स अपॉन में यू, टाइम निकाला एक्स अपॉन में यू, दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। अब इसी इक्वेशन को हम वाई एक्सिस की तरफ अप्लाई करते हैं, वाई एक्सिस की तरफ एस कितना है, वाई है, देखिए वर्टिकल डायरेक्शन में एस की वैल्यू कितनी बचे, वाई के बराबर है, इज इक्वल टू में यू, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस जीरो के बराबर। मैंने ये पहले ही बात बताई थी, तभी कहा था ये न्यूमेरिकल में भी आपको हेल्प करेगी और डेरिवेशन में भी, तो जीरो इंटू टी के बराबर, प्लस में हाफ एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस, एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस जी, और ये नीचे की तरफ है जी, जी हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है, इसलिए मैं लिखूंगा माइनस जी, इसलिए माइनस। अब मैंने पहले नहीं लगाया, अब क्यों लगाया, क्योंकि मैं समझाता हूं क्यों। जब कोई बॉडी देखिए, ये बॉडी मैं ऊपर की तरफ फेंकूंगा तो ये ऐसे आएगी, और ये क्यों आ रही है, क्योंकि नीचे की तरफ एक ग्रेविटेशनल पुल इसको खींच रहा है, किस तरफ खींच रहा है, नीचे की तरफ, और नीचे वाली डायरेक्शन हमेशा क्या लेनी है, नेगेटिव, माइनस जी। क्या किया मैंने, जब कोई बॉडी ऊपर जाती है तो वापस अर्थ की तरफ क्या होती है, ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटेशन पुल, जैसे सेम नीचे आया था ग्रेविटेशन पुल, तो वो नीचे की तरफ एक ग्रेविटेशन पुल लग रहा था, तो वही हमने लिया है इनटू में टी का स्क्वायर। ये क्या बन जाएगा, ये तो जीरो हो गया, ये तो सारा क्या हो गया, जीरो, यहां पे हो गया माइनस हाफ जी टी का स्क्वायर हो गया। अब हम क्या करते हैं, इस फर्स्ट से टी की वैल्यू यहां पे रख सकते हैं, तो हम कहेंगे यूज, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड, यूज फर्स्ट इन सेकंड कीजिए, तो y इज इक्वल टू मै हाफ इंटू जी, टी की वैल्यू क्या है, ये रही x अपॉन में यू, तो x बाई यू का स्क्वेयर, तो ये हो जाएगा हाफ z x स्क्वेयर अपॉन में u स्क्वेयर के बराबर हो गया, ठीक है भाई। ये इतना होने के बाद नेक्स्ट क्या करेंगे, y इज इक्वल टू मै z अपॉन टू यू स्क्वेयर इंटू एक्स स्क्वेयर,
जी टू यू स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, इसको एक कॉन्स्टेंट मान लेते हैं क्योंकि जी भी एक कॉन्स्टेंट है और हमने पहले ही वेलोसिटी फिक्स कर दी कि हमने 15 मीटर पर सेकंड के साथ पे किया, 20 मीटर पर सेकंड या 30 मीटर, वो तो फिक्स है, तो हम यहाँ पे इसको एक कॉन्स्टेंट बोल देते हैं। सपोज कीजिए वाई इज इक्वल टू मैं 4a इंटू मैं एक्स स्क्वायर, इसको मैं 4a के बराबर मान लिया यहाँ पे इस कॉन्स्टेंट का, इसका नाम 4a रख दिया, तो 4a। अब y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इज इक्वल टू 4a इंटू एक्स स्क्वायर, यानी कि सम कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला बच्चे, जब मैथ में पढ़ते हो तो किसकी इक्वेशन होती है? पैराबोला की, पैराबोला की इक्वेशन होती है, पैराबोला इक्वेशन। ये इक्वेशन किसकी है? पैराबोला की इक्वेशन होती है। नहीं पता तो आज पता कर लीजिए, y इज इक्वल टू मैं सम कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई बाय मैं एक्स स्क्वायर इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। अगर कोई ये कहे कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये होता है बच्चे x 1 पावर में, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, बट यहाँ पे क्या एक्स स्क्वायर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं, ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला है। मतलब इसकी ट्रेजेक्ट्री, मतलब हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्ट्री, किसकी? हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल, हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल, हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्ट्री पैराबोलिक होती है, ये याद रखना। व्हाट इज ट्रेजेक्ट्री? पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड ट्रेजेक्ट्री, एंड ट्रेजेक्ट्री ऑफ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक बिकॉज वी हैव अ इक्वेशन y इज इक्वल टू 4a इनटू x स्क्वायर एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। सो ये कैसी ट्रेजेक्ट्री हमारे पास हो जाएगी? इट इज द ट्रेजेक्ट्री लाइक ए पैराबोलिक। तो ये इक्वेशन था, इसमें कुछ नहीं करना, डायरेक्ट x एक्सिस की तरफ अप्लाई किया, y एक्सिस की तरफ अप्लाई किया और इसको सोल्व कर दिया। तो ये बात थी हमारे पास। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब देखिए एक क्वेश्चन आपको मैं यहाँ पे इसके लिए करवा देता हूँ और फिर उसके बाद हम नेक्स्ट आगे चलेंगे, ठीक है? अब क्या कहता है कि आपको एक बिल्डिंग आपको दे दी, दिस इज सपोज दैट दिस इज द बिल्डिंग एंड हाइट इज h, बिल्डिंग हाइट इज h एंड दिस इज द ट्रेजेक्ट्री एंड इनिशियल वेलोसिटी इज 15 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड के बराबर होगा। फाइंड आउट द टाइम ऑफ फ्लाइट, यहां से यहां तक टाइम कितना लेगा ये पूछ रहा है। व्हाट इज द टाइम, व्हाट इज द टाइम, टाइम टाइम टू रीच, टू रीच ग्राउंड, ठीक है? ये क्या हमारा ग्राउंड है बच्चे, ये क्या हमारा टॉप ऑफ क्लिफ, कोई भी बिल्डिंग है उसका टॉप है। इस टॉप से ग्राउंड तक जाने में हमें कितनी डिस्टेंस, कितना टाइम लेना पड़ेगा, वो टाइम हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है, इस टॉप से कहां तक जाने में, ग्राउंड से जाने में। तो जब आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हो तो आपको एक बात सोचनी है कि आपको इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे गिवन है और एच की वैल्यू सपोज कीजिए यहाँ पे 400 मीटर है, ठीक है? टाइम आपको फाइंड आउट करना है, एच की वैल्यू 400 मीटर, यू आपके पास इनिशियल वेलोसिटी 15 मीटर, टाइम टू रीच यहां तक टाइम कितना होगा। तो मैं आपको एक बात बताता हूं, आपके पास दो कंपोनेंट है, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक वर्टिकल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट का काम क्या होता है? ऊपर ले जाना और नीचे ले जाना। देखिए कोई बॉल यहां से फेंकी, इसको ऊपर ले जाने का काम कौन कर रहा है? वर्टिकल कंपोनेंट। इस ये क्या जाएगा, ऐसे फॉलो करेगा ये, तो ये जो डिस्टेंस ट्रेवल है ये किसके कारण है? हॉरिजॉन्टल। और ये किसके कारण होता है? वर्टिकल। तो ऊपर लेके जाना और नीचे लेके आना ये वर्टिकल कंपोनेंट का काम होता है। जितनी डिस्टेंस आगे जाके गिरेगा, हमने यहां से फेंका था और यहां तक गिरा, तो यहां से यहां तक ले जाने का काम किसका हुआ बच्चे? ये काम हुआ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का। तो मैं यहां पे दो कंपोनेंट बता रहा हूं, वर्टिकल कंपोनेंट हमेशा प्रोजेक्टाइल को ऊपर लेके जाता है और नीचे लेके आता है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जितनी उसने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल की, यहां से मान ले प्रोजेक्टाइल फेंका और यहां पे आके गिरा वो, तो ये जो डिस्टेंस ट्रेवल की, व्हेनेवर प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन फ्रॉम हेयर एंड इट रीचेस टू ग्राउंड एट दिस पॉइंट एंड दिस इज द ए पॉइंट एंड दिस इज द बी पॉइंट, द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज ड्यू टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ए और बी की जो डिस्टेंस है और ए से बी तक जो प्रोजेक्टाइल पुला वो हॉरिजॉन्टल, एंड वर्टिकल डिस्टेंस इज रेस्पॉन्सिबल, और वर्टिकल डिस्टेंस इज ड्यू टू द वर्टिकल कंपोनेंट, जो इसका ऊपर जाना और नीचे आना है, अप और डाउन है, वो वर्टिकल कंपोनेंट के कारण। तो इसी नॉलेज का हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो इसका मतलब जब हमसे वो टाइम पूछ रहा है यहां से यहां तक आने में, यहां से यहां तक, क्योंकि यहां तो टॉप है, ये ग्राउंड है, यहां से यहां तक आने में, क्योंकि ये अगर पूछता तो ये तो हॉरिजॉन्टल का काम है, ये तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, इसका तो हमें कुछ करना ही नहीं। तो इसमें हमारे पास क्या होगा, एस इज इक्वल टू में यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है? अब हमसे उसने क्या पूछा, टाइम पीरियड पूछा है, तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा,
हाफ जी टी स्क्वायर, क्योंकि वाई एक्सिस की तरफ, इनिशियली वाई एक्सिस की तरफ यू वाई जीरो के बराबर, अभी अभी समझा था कि इनिशियल वाई एक्सिस की तरफ कोई वेलोसिटी नहीं है, तो इनिशियली वाई एक्सिस की तरफ इसको अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि वाई एक्सिस ही रिस्पॉन्सिबल है इसको यहां से यहां तक लाने में, वाई एक्सिस ही इसके लिए वर्टिकल एक्सिस इसको बताएगा कि कितने टाइम में आएगा। हाँ, अगर कोई कहे कि यहां इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कितनी है, तो वो बताता है ये वाला कंपोनेंट, ठीक है। तो s इज इक्वल टू हाफ एक्सेलरेशन g इनटू t स्क्वायर, तो s आपके पास किसके बराबर, h के बराबर है, हाफ g t स्क्वायर। अब एक बच्चा कह सकता है कि सर आपने एक्सेलरेशन तो माइनस g बताया था क्योंकि उसकी डाउनवर्ड डायरेक्शन होती है, बिल्कुल सही है, ये लगा दिया माइनस। बट मैं आपको बता दूं, ये सपोज करो आपने यहां से फेंका, इसे ऊपर वाली डिस्टेंस सारी पॉजिटिव, इससे नीचे वाली सारी नेगेटिव, तो ये एच भी तो नेगेटिव में आ रहा है। आपको एक रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ेगा, जब भी आप प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो तो आपको एक रेफरेंस पॉइंट मानना पड़ेगा। ये रेफरेंस जहां से आपने इसको थ्रो किया, इससे ऊपर वाली कोई भी डिस्टेंस होती तो उसको पॉजिटिव, नीचे वाले को मैं नेगेटिव लूंगा, तो नेगेटिव के कारण ये एच भी नेगेटिव हो गया, तो ये नेगेटिव इस नेगेटिव को कैंसिल आउट, तो हाफ जी टी का स्क्वायर हो जाएगा। तो एच इज हाफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10, याद रखें z की वैल्यू कितनी होती है 10 मीटर पर सेकंड होती है, एक्चुअल में 9.8 मीटर पर सेकंड उसके लिए वैल्यू होती है, हम इसको 10 के बराबर यूज कर लेते हैं, ये हमेशा आपको याद रखनी है, g की वैल्यू आपको कोई देगा नहीं, आपको याद रखनी है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, g एक कांस्टेंट होता है, 6th यूनिट में ग्रेविटेशन में आपको पढ़ाया जाएगा कि इससे पहले ही आप इसका यूज करना स्टार्ट कर देते हो तो आपको ये याद रखना होता है कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है इतना, ये कांस्टेंट, अगर किसी को बच्चे ना ये याद रखना है, क्वेश्चन में दिया नहीं मिलेगा, इसकी जगह 10 यूज कर लेते हैं, इनटू में टाइम हमें फाइंड आउट करना है टी स्क्वायर, एच की वैल्यू कितनी है 400, ऊपर जाएगा 2 डिवाइड बाय 10 इंटू टी का स्क्वायर, 0 से 0 80 इंटू टी स्क्वायर के नाम का रूट, तो इतना टाइम पीरियड आ जाएगा आपके पास, तो इतने टाइम में रूट 80 टाइम में ये कहां पहुंच जाएगा, ग्राउंड तक पहुंच जाएगा, ये इसके आगे टाइम पीरियड। अब कोई पूछता कि ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, इस ए से बी तक की डिस्टेंस बता दीजिए, कोई ये क्वेश्चन भी कर सकता है, आपको ये बोल सकता है कि फाइंड ए बी, फाइंड ए बी, ए बी डिस्टेंस बता दीजिए आप मेरे को कितनी होगी, तो AB डिस्टेंस के लिए आपको क्या करना होगा, मैं आपको बता दूं AB इज ए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, यहां से यहां तक ले जाने के लिए कौन सा कंपोनेंट बताया था मैंने, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की, ऊपर लेके जाना नीचे लेके आना ये वर्टिकल कंपोनेंट की, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चलाना वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की, तो यहां से यहां तक AB क्या होता है कि वेलोसिटी इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, अब डिस्टेंस कितनी है ए बी, टाइम अभी भी निकाला है रूट 80 के बराबर आया था, ठीक है ये आ गया था रूट 80 के बराबर, तो वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय माय टाइम इज ए बी डिस्टेंस, तो ए बी इज व्हाट इज द वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस 15 मीटर पर सेकंड, मल्टीप्लाई व्हाट इज द टाइम, टाइम इज रूट 80, तो 15√80 इज द ए बी डिस्टेंस, ये ए बी डिस्टेंस हो जाएगी। अगर आपसे कोई टाइम पूछ रहा है या ए बी डिस्टेंस पूछ रहा है तो आप फाइंड आउट कर दीजिए, सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसे आपको करना है। आज के वीडियो में सिर्फ इसी की ट्रेजेक्टरी, बाकी इसके टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना सिखाऊंगा मैं आपको, हॉरिजॉन्टल रेंज अलग से निकालना सिखाऊंगा, एक आपको एक एग्जाम्पल दिया है, इस एग्जाम्पल से समझाया, आगे हम इसके और बारे में स्टडी करेंगे और कुछ और न्यूमेरिकल्स के बारे में भी देखेंगे। कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।